अगर मोदी सरकार नहीं आती है तो मार्केट का क्या रुख रहेगा, अगर मोदी 3.0 फिर से आता है तो क्या रुख रहेगा। मैं आपको एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा जो एक संकेत है मार्केट के लिए। देखिए लगभग 14 साल बाद और 10 वर्ष जो दो सरकारें रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें S&P जो ग्लोबल एक रेटिंग एजेंसी है, उसने पहली बारी इतनी बड़ी अवधि के बाद इंडिया के प्रति जो आउटलुक है, इन्वेस्टमेंट आउटलुक जिसे हम साधारण शब्दों में कहें, जो विदेशी निवेशक अगर भारत में पैसा लगाना चाहें तो जो कंट्री का एक आउटलुक होता है, कंट्री की रेटिंग होती है, उस आउटलुक को पॉजिटिव में तब्दील किया है। ये बहुत सालों बाद आया। आप ये भी समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के 10 साल बाद ये हुआ, तो ये एक बड़ा संकेत है। दूसरा जो हम बड़ा संकेत मानते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, और लगातार भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो दुनिया में ऐसे कुछ ही चंद देश हैं, और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से है। सो बाजार का रुख केवल एक सरकार के आने या जाने पे नहीं बनता है, बाजार अलग अलग आयामों को लेता है। बाजार इस बारी मानसून कैसी रहेगी इसको भी कहीं ना कहीं पे देख रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत भीषण पड़ी है और हम सबका इंतजार है कि इस बारी वर्षा कैसी होगी, और उसके चलते हमारे कृषि क्षेत्र पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कृषि क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है तो कंजम्पशन पे प्रभाव पड़ता है, रूरल इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता है, अर्बन डिमांड पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, सॉफ्ट ड्रिंक, AC, फ्रिज, कूलर, मोबाइल फ़ोन, इनकी सेल्स सब पे असर पड़ता है। तो बाज़ार बहुत सारे अलग अलग डेटा को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की रणनीति तय करता है। तो केवल एक फैक्टर नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि इस समय सरकार कौन सी बनेगी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि सट्टा बाजार सत्ता की गलियारों की तरफ बहुत एक प्रकार से पैनी निगाह बनाया हुआ है, और ये हमें देखना पड़ेगा कि नतीजा क्या आता है। नतीजा अगर मोदी 3.0 है तो ये निश्चित है कि मार्केट में बम्पर ग्रोथ और खरीदारी आएगी। और मान लीजिए कहीं ना कहीं पे अगर, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, और आप अगर सभी ब्रोकरेजेस को देख लें, एक्सपर्ट्स को देख लें, सब मान रहे हैं कि सरकार वापस आ रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ या कहीं ना कहीं पे मार्जिन जो है विक्ट्री का वो कम हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ी नरमी आएगी। बट कई विशेषज्ञ कह रहे हैं, और हमने पास्ट में भी ये देखा है, जब कोई शॉक पॉलिटिकल रिजल्ट आता है तो मार्केट में वीकनेस आती है, मार्केट में एक बिकवाली का एक फेज आता है, नी जर्क रिएक्शन आती है, बट उसके बाद मार्केट 1, 2, 3, 4, 6 महीने में लगभग सब संभल जाता है और एक सैनिटी वापस आती है, क्योंकि अंडरलाइन जो मार्केट के लिए ग्रोथ का एक फंडामेंटल है वो है इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। और उस दृष्टि से ये एक ऐसा समय है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया में कुछ ही ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पे इतनी स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक डिमांड की, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और ग्रोथ इसलिए लगातार होगी। मार्केट उन संकेतों को देखेगा। और 4 जून के बाद आपको एक आखिरी बात बता दूं, विदेशी निवेशक जो कहीं ना कहीं पे पिछले दिनों में भारत के बाजार को थोड़ी केयरफुली देख रहे थे, सरकार और स्थिर और मजबूत सरकार के वापस आने से विदेशी निवेशक फिर से भारत में निवेश को लेके एक पॉजिटिव माहौल बनाएंगे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से मार्केट को देखेंगे।